आज आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक लैंड रोवर की गाड़ी आई है जिसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसका एसीएम में प्रॉब्लम है। इसके लिए हम इसका एसीएम रिपेयर करने के लिए ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका एसीएम किस में आता है। आप देख सकते हैं वाइपर का जो कॉल पैनल का पत्रा आता है उसके अंदर इसका एसीएम आता है। ये है, आपको हम कॉल पैनल खोल के ओपन करके आपको दिखाते हैं पूरी तरह से इसका एसीएम। ये देख सकते हैं आप, ये इसका एसीएम है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये लैंड क्रूजर की गाड़ी थी हमारी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए आई थी। हमने इसका एसीएम ओपन किया था रिपेयर करने के लिए। आज हमने इसका एसीएम रिपेयर करके ला दिया है। इसके एसीएम में प्रॉब्लम था, इसके एसीएम से इंजेक्टर को करंट नहीं मिलता था, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। हम आपको इसका एसीएम फिट करके और गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने एसीएम का सॉकेट लगा दिया है। अभी से हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। सर ये गाड़ी चालू कीजिए। इसका जरा बैटरी वायर लगाइए पहले। इसका हमने बैटरी वायर ओपन करके रखा था, एसीएम ओपन किया था इसके लिए। कभी भी आप एसीएम ओपन करेंगे तो इसका बैटरी वायर डिस्चार्ज कर दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे मीटर पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा किसी प्रकार का। देख सकते हैं हमारे गाड़ी की इंजन की फायरिंग। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हमने इसका एसीएम रिपेयर किया है। ये इसका एसीएम है फ्रेंड। अब ये गाड़ी हम फाइनल करके इसका कॉल पैनल लगा के कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हमसे रहेगा